तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, नमस्ते। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, टिंकू सुनारते पर। और गाइस, आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ, मतलब मैं पन्ना जिले में एक छोटा सा कस्बा है श्यामगिरी, जिसका पहले नाम बगदरा था। और ये स्टोरी मुझे अभी पता चली है कि श्यामगिरी नाम कैसे पड़ा इस गांव का। पहले बगदरा था तो श्यामगिरी कैसे पड़ा इस गांव का नाम। बहुत ही यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, और ख़ास चीज़ कि यहाँ इस गांव में, मतलब इस इलाके में नेटवर्क नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जियो का नेटवर्क मिलता, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2-3 दिन हो गए मुझे गाइस, मैंने मेरा वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा क्योंकि नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और गाइस, ये देखिए श्यामगिरी। तो गाइस, ये यहाँ पर का है, ये देखिए श्यामगिरी 0 किलोमीटर। और गाइस, मतलब जहाँ मैं हूँ अभी, यहाँ पर वन विभाग का कैंपस है पूरा, ये देखिए। ये पूरा वन विभाग का कैंपस है, और हम लोग अभी इन्हीं लोगों से बात करेंगे। ठीक है, साइन बोर्ड लिखा है ग्राम श्यामगिरी। बहुत ही सुंदर जगह है गाइस। तो चलिए गाइस, श्यामगिरी के बारे में पूछते। अच्छा, ये श्यामगिरी गांव है ना जी? बंद करो गाइस। अच्छा, ये श्यामगिरी है ना जी? अच्छा, ये बताओ कि जो श्यामगिरी जो गांव है, इसका पहले नाम क्या था? बगदरा। श्यामगिरी नाम कब से पड़ा इसका? ये कम से कम नहीं था 10 साल पुराना। अब यहाँ कोई से बहन है ही नहीं। अच्छा, श्यामगिरी से नहीं हो तुम जी? तुम कहाँ रहते हो? तुसगापा। इधर ही गांव है क्या? हाँ, यहाँ। अच्छा, नेटवर्क मिलता है उधर? हाँ, फुल। कौन सा? जियो। बस जियो के अलावा नहीं ना? कोई नहीं। तो वही तो बात कह रहा हूँ। तो गाइस, जियो के अलावा बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलेगा इधर का, कहीं है ना। पन्ना जिले में बिल्कुल बस जियो ही जियो चलता है ना बस। हाँ, शहरों में जरूर मिल जाएगा आपको कोई सा नेटवर्क। हाँ, सिर्फ जियो। यहाँ की कुछ खासियत बताओ गाँव की। यहाँ की क्या खासियत? आपके गाँव में कुछ है खासियत? कुछ मंदिर होगा, कुछ चमत्कारी चीज होगी, या कुछ ऐसी कुछ चीज होगी, बताइए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे हम यहाँ के नहीं है, पन्ना जिला के, सतना जिला के। अच्छा, सतना जी हो, मैयर वाली भैया की, क्या बात है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बताया है ना। मोह गांव भी इधर ही है, जाते है नहीं। तो गाइस, इधर से ही मोह गांव मोह गांव बारो हो 9 किलोमीटर। हम यहाँ पर बातें करते हैं, ठीक है। और सुबह सुबह का समय है, देखिए सुबह सुबह भाई साहब न्यूज़ सुन रहे हैं अभी। और गाइस, जहाँ हम रुके हुए, ये पूरा वन विभाग का कैंपस है, ठीक है। और यहाँ के एक व्यक्ति से मिला हूँ जो बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार, उनका सारी चीज़ें, मतलब अभी मुखारी कर रहे हैं वो। ये देखिए, ये हमारे पंडित जी है, नाम पूरा क्या? ओपी शर्मा सर। और बहुत अच्छे, मतलब व्यवहार में, और क्या कहते हैं कि अगर आप अकेले हो ना, तो कभी जीवन में साथ नहीं छोड़ेंगे कहीं पर भी। बस पहचान होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें। तो हम इनसे ही पूछेंगे। एक यहाँ पर एक पेड़ भी है, पेड़ का नाम क्या? नीलगिरी पेड़ है। उसे इंग्लिश में, उसको यूकेलिप्टिस। अच्छा, यूकेलिप्टिस का पेड़ है वो, और हिंदी में उसे नीलगिरी कहते हैं। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, बट अभी हम इस गांव के बारे में जानकारी लेते हैं, श्यामगिरी के बारे में। तो श्यामगिरी के बारे में आप मुझे बताइए। श्यामगिरी जो है पुराना, जो ये अपना कैंपस है ये, हाँ, ये रजवाड़ा राजाओं का जो पुराने थे विरासत जो थी ये जगह,
उनका ये शिकार गाह रूप में है यहाँ, शिकार करने आते थे यहाँ। हाँ, मतलब अच्छा। और आते थे तो रहते थे यहाँ। हाँ। उसी के हिसाब से ये जो जगह है। हाँ। तो बाद में यहाँ पे एक श्याम बाई के नाम से थे। हाँ। तो वो उनके नाम पे ये श्यामगिरी, पहले इसका जो नाम था वो बगदरा था, बगदरा था। उसकी यादगार में उनने जो है इसका नाम श्यामगिरी किया था, श्यामगिरी। जब से ये जो है श्यामगिरी, जब से श्यामगिरी। तो ये पूरी डिटेल ये लोग बताएंगे ना। और है ना, तो चलिए अभी पंडित जी मुखारी कर लीजिए जल्दी। तो इस हमारे साथ, मेरे साथ मतलब सर भी है, ठीक है, गजेंद्र सर, जो कि मंडला से है। देखिए सर, ये सर है गजेंद्र सर मंडला से, और सर ने काफी पढ़ाई की, डॉक्टर भी है सर, है ना सर। सर आप बताइए क्या क्या है आप। मैं बेसिकली अभी तो एक सोशल इंटरप्राइजर हूँ, सामाजिक उद्यमिता पे फोकस है, पारंपरिक चिकित्सा पर है, सामाजिक कार्यकर्ता, और एक सबसे बड़ी बात है ग्रामीण विकास के लिए मेरा कार्य है। अच्छा, ठीक है। तो सर अभी क्या बोलते, श्यामगिरी में क्यों आए यहाँ? जो प्रधानमंत्री वंदन केंद्र बना हुआ है वहाँ पर जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जी, उनको हम वनोपज के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने आए हुए हैं। अच्छा, ट्रेनिंग देने आए हुए कि तो ये जो वनों से फल वगैरह मिलता है ना? हाँ, जितने भी लघु वनोपज की श्रेणी में जितने भी आते हैं। हाँ, उन सारी चीज़ों को। हाँ, तो गाइस मैंने सर से अभी लाइफ स्टाइल की भी पूरी ट्रेनिंग मतलब लिखा है, इन्होंने मुझे बताया कि इस इन चीज़ों पर काम कर लो तो आपकी लाइफ में कभी ज़रूरत ही कुछ होगा ही नहीं, टेंशन ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पढ़ाते भी है, टीचर बहुत अच्छे हैं क्योंकि मुझे पढ़ाया है, ठीक है। तो इस श्यामगिरी के बारे में सर पता आपको इस गांव? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। पहली बार ही आया है? अच्छा, चलिए थैंक यू सर। और इन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ गए भाई साहब? आ रहे, आइए गाइस हम इनसे पूछते हैं। और ये जो है गाइस, ये आपका नाम क्या? बुधे सिंह। बुद्ध सिंह। और आप बड़के हो? बड़के भैया। बड़के जी, ये हमेशा खाना बनाते हैं गाइस, या चाय कॉफ़ी सारी चीज़ें, खाना बनाने का काम ये करते हैं, ठीक है। तो ये, और आप यहीं पर रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं श्यामगिरी के? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि श्यामगिरी जो है गांव, इसका नाम पहले बगदरा था, ठीक है। तो बगदरा हटकर श्यामगिरी नाम कैसे पड़ा? श्यामगिरी ऐसे पड़ा सर, पहले रहते थे कच्ची मकान में रानी साहब, बताते हैं हमारे पूर्वज बताते हैं जी, जी। बताते थे कि ऐसे हम खाना बना रहे थे तो उनकी सब्जी बघारे लग गई थी आग, सब्जी बघारने में आग लग गई थी आग, आग। जी, तो कपड़ा पहनी नहीं साड़ी। हाँ, हाँ। उनकी जल गई, साड़ी जल गई थी जी। अच्छा, पूरी शरीर जल गया। फिर खत्म, वो खत्म हो गई थी यहाँ। तुम के नाम रही श्याम, श्याम भाई। हाँ। तुम राजा सोचे कि सब कोई नाम लेगा। हाँ, हर कोई नाम लेगा जी। अच्छा, तो राजा ने उसके उसके नाम पर ये गांव का नाम रख दिया बगदरा को हटाकर। ये कब की बात है? ये बहुत दिन की बात है साहब, हमारे आज परपादे पूर्व जन के हम यहीं के हैं। अच्छा, आपके पूर्वज, मतलब ये 1900 की बात है, 1800 की बात है? 1900 की और पहले की बात है। अच्छा, 1900 की भी पहले की बात है जी। और यहाँ के जो, तो श्याम भाई जो रहती थी उनका कोई घर वर भी है यहाँ पर? वो पहले कच्ची मकान में जब आए थे, कच्ची मकान रोड के उस तरफ। तो वो रानी थी क्या? हाँ, रानी थी। अच्छा, दासी नहीं थी, रानी थी। रानी थी। तो राजा की रानी यहाँ कैसे रहती थी, वो भी कच्चे मकान में? जब शुरुआत है यहाँ से, जब आए हैं। अच्छा, शुरुआत से हमारे बब्बर लोग, लोग आपके पुरखे लोग बता देते हैं। बता तो अभी भी है उसका कुछ घर वगैरह? कच्ची मकान थी साहब, तो होगा जरूर, वहाँ पेड़ पौधा होगा। अच्छा, तो ये अलग अलग क्यों दंतियां है कि वो कुएं में भी गिर गई थी?
अभी बता रहे साहब हमारे बब्बा लोग बता रहे थे जान हमारे यहाँ दो मकान थे, एक किशोर सिंह के पूर्व जाने के और एक हमारे, एक आपके और एक किशोर जी। हाँ, एक पूरी बस्ती नहीं थी। ये बस्ती नहीं थी, तब क्या आप रहे थे यहाँ पर? दो आदमी रहते थे, दो मकान थे। अच्छा, हमारी इनकर बकरी यहाँ रहा जब पीपर के झाड़ लगा है। हाँ हाँ, वहाँ इनकर था किशोर सिंह जी। हम आए नीचे साइड रहा। हाँ। तो अभी आप चाय वगैरह बना लीजिए, ठीक है, और फिर हम चलते वो श्याम भाई के घर जी। अरे तो यही पगार से, यही है ना, और वो बड़के दद्दा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी भाई साहब की गुड मॉर्निंग हुई है और ये अभी हम इनके साथ चलते हैं जहाँ पर श्याम भाई रहती थी। कहाँ पर रहती थी? यहाँ पड़ोस पड़ोस में ही घर है। कहाँ? अरे पहले कच्ची मकान। अच्छा, आपका आपकी पोस्टिंग यहाँ पर कितने साल हो गए? हम 2018 से। 2018 से मतलब 3 साल हो गए आप लोग ना यहाँ पर। अच्छा, श्यामगिरी के बारे में कुछ पता है यहाँ के बारे में? श्यामगिरी के ये पुराना ये रेस्ट हाउस है, राजा महाराजाओं का था, फिर 100 साल पुराना रेस्ट हाउस। हाँ, 100 साल पुराना। तो चलिए गाइस 100 साल पुराना रेस्ट हाउस देखते हैं। आ रहा है थोड़ा पूछ। तो गाइस अभी चल रही है बिजनेस की बातें, ठीक है, और हमारे जयप्रकाश भैया, देखिए ये हमारे जयप्रकाश भैया है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। और ये बी कीपिंग का काम करते हैं, और इस पर मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा कि बी कीपिंग को कैसे सेव कर सकते हैं, उनका जो आप लोग छत्ते को काट के पूरा निचोड़ देते हैं, कितने लोगों की हत्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें से एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोग सिर्फ उसी को ही सुने, ठीक है। तो अभी भैया यहाँ पर क्या करने आए भैया? मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग देने के लिए आया था श्यामगिरी में। हाँ। यहाँ के आदिवासी भाई जो हैं वन मंडल वाले। हाँ। लोगों को शहद निकालने की एक नई विधि, नई तरीके जिससे कि हम मधुमक्खियों को बचा सकें। हाँ। और सेव द बी का जो हमारा मुहिम है उसको पूरा कर सकें, इसके लिए मैं यहाँ आया था। और एक और खास चीज़ कि भैया बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं को काम देने के लिए। कितनी महिलाएँ जुड़ी है भैया आपसे? अभी एट प्रेजेंट टाइम में लगभग 743 महिलाएं हैं जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं और हमारे साथ काम करना चाहती हैं। हाँ। जिसमें से करीबन 40-50 महिलाएं अलग अलग वर्क कर रही हैं। हाँ। चाहे वो मिड डे मील के माध्यम से हो या फिर शहद प्रोसेसिंग के माध्यम से हो, पैकेजिंग हो, बॉटलिंग हो, और अब नया जो हमने सेक्टर चालू किया है वो है ऑयल का, जिसमें हम कच्ची घानी सरसों के तेल और एवरीथिंग सीड्स अलग अलग प्रकार के बीजों का तेल निकाल सकते हैं, उसका भी पैकेजिंग बॉटलिंग करना है, तो काफ़ी महिलाएं उसमें एडजस्ट हो सकती हैं जॉब के लिए। हाँ, तो चलिए गाइस अभी हम जय भैया से फिर बाद में भी बात करेंगे, अभी हम चलते हैं श्यामगिरी जहाँ रहती थी महिला, ठीक है। तो गाइस हम चलते हैं कुएं के पास, कहते हैं मतलब एक और किंवदंती है, जैसे कि उन्होंने जलने का नाम लिया था, एक और किंवदंती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता, राजा की रानी थी वो यहाँ रहती थी, है ना, हो सकता है, पर अभी हम चल रहे हैं कुएं के पास, जय माता दी, ठीक है। देखिए वन विभाग के अंडर में ही होगा आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र श्यामगिरी जंगल। हम तो जंगल में आए हैं, मंगल तो जरूर करेंगे, हम तो जंगल में आए। गाइस अकेले आने में इधर डर भी लगता है यार, देखिए अकेले आने में, बहुत देखिए पिजन जानवर तो नहीं है, ये हो अरे बाप रे गड्ढा भी। कुछ है तो नहीं गाइस? मैं भग के आया हूँ, मुझे लगा कि कुछ हो तो नहीं। तो गाइस ये है वो कुआं यहाँ पर, ये भी वर्षों पुराना कुआं है बहुत यहाँ पे। तो जय माता दी, बहुत गहरा है गाइस, बहुत गहरा कुआं है ये, और कहते हैं कि इसी कुएं में जो श्याम भाई थी वो
गिरी थी क्यूदंती है ये भी। और जंगल में कुआं बना हुआ है, पहले के तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था। जय माता दी। ये कुआं बहुत गहरा कुआं है, पानी भरा हुआ है इसमें। कुछ नई नई चीज़ें देखने को और सुनने को मिलती है तो वो कैप्चर कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस कुआं तो हमने देख लिया है, मैं अकेला ही यहाँ पे आया हूँ। और फिर अभी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे अजय भैया बोल रहे हैं कि श्याम भाई से पूछ लो पहले। वहाँ जाना पड़ेगा आप लोगों को श्याम भाई के पास। तो कैसे जाएंगे आप भी थोड़ा सा? कुछ नहीं, जिस तरीके से वो वहाँ से आई थी पानी लेने, तो उनको पानी ऊपर लेना था, वो नीचे लेने के चली गई थी। अगला भी चला जाए नीचे। तो बस श्याम भाई से मिल लेंगे आप लोग, ठीक है गाइस। और अभी हम उनके घर ले चलते हैं आपको।